चैलेंजेस फेस इसका परिणाम देखते हैं। तो जैसे मान लो ये चार लोग इकट्ठा आके कुछ इन्होंने नियम बनाए और ग्राउंड वाटर को मैनेज करने शुरू किया, और खास करके ये जो डायग्राम हमने बनाई थी वो जब हम पानी पंचायत का स्टडी कर रहे थे 2001-2002-2003 तक, तब हमने ये पाया कि पानी पंचायत 30-30 साल पानी पंचायत जो कार्यरत थे ग्राउंड वाटर वाले, वो एकदम से 1999 से लेके 2002 तक टूट पड़े। और इसकी वजह यह थी कि इस दौरान एक्वेफर तो एक ही था, इनके नियमावली के अनुसार ये इन्होंने बेनिफिट कहीं ना कहीं वाटर टेबल को बनाए रखने का बेनिफिट इन्होंने अपने हाथ से यहां स्थापित किया। लेकिन बाकी जो जुड़े नहीं थे एक्वेफर में, इन्होंने इस पे असर किया, और असर इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कनेक्शन दिए गए, और इन कनेक्शन की वजह से इनका जो एब्स्ट्रैक्शन था वो 10 गुना बढ़ गया, और वो बढ़ने की वजह से भले ही इन लोगों ने इकट्ठा आकर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्सटर्नैलिटी से, इस बाहरी परिणाम से इसके ऊपर असर पड़ा, और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे हिसाब से पीजीडब्ल्यूएम में फेस हो रहा है। अब मैं इस चीज को, जो एक्सटर्नैलिटी का उदाहरण मैंने दिया, इस उदाहरण से एक और चीज, एक और सोच विचार में हम पढ़ते हैं कि क्या इस प्रकार की जो एक सो कॉल्ड डेवलपमेंट है कुएं बनाने की, जैसे अभी हम लोग झारखंड में थे, रांची में थे, न्यूज आई थी कि इस साल 72,000 कुएं झारखंड में होने वाले हैं अंडर दी एनआरईजीएस प्रोग्राम। ठीक है, बहुत सारे कुएं में आपको कलेक्टिव मिलेगा, छोटा ग्रुप मिलेगा, समूह मिलेगा, बट 72,000 वेल्स इन झारखंड, फाइन। तो इसमें कहीं ना कहीं एक स्पर्धा, कंपटीशन, और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, इसके बारे में अगर हम सोचें तो तीन मुद्दों पे हम इसको सोचने की कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा है कि बहुत सारे इलाकों में हमने ये देखा है कि बहुत ही गजब की स्पर्धा, संघर्ष पहुंचने से पहले एक काफी लंबी स्टेज होती है जहां कंपटीशन होता है, एक स्पर्धा निर्माण होती है, खास करके कुएं बनाने की, बोरवेल करने की, ज्यादा गहरा जाने की। और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जिस चीज को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिस चीज को हम एक्वेफर कहते हैं, ये चीज हमें पूरी की पूरी, हम इसको देख नहीं पा। तो हमारे विचार में या जो भी कोई इसको ले रहा है, इसका योग ले रहा है, वो ये सोचता है कि ये काफी बड़े पैमाने पे होगा, ये मेरे जमीन के नीचे बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है या टांका है जिसमें से पानी आएगा। दूसरा, एक सोर्स ड्रिवन, स्रोत को लेके सब सोच है कि अगर मैंने कुआं किया, आज अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी ये हो रहा है कि अगर मुझे म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आ रहा है, और ये पुणे की बात मैं कर रहा हूं कि गए साल पुणे में वाटर कट्स लागू किए गए गर्मी के सीजन, और मेरे ख्याल से ऐसे वाटर कट्स मेरे 50 साल के अंदर मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तो हमारी एक आदत हो गई है कि वाटर कट्स हमको नहीं है, कभी हो नहीं पाए, लेकिन लास्ट ईयर वी हैड वाटर कट्स, और वाटर कट का पहला रिस्पांस ये था, एटलीस्ट 5 ऑफ माय फ्रेंड्स, 5 मेरे मित्रों ने मुझे फोन करके बताया कि अरे अभी वाटर कट होने वाला है, हमको वो ड्रिलिंग करना है हमारे प्लॉट में। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू वाटर स्केर्सिटी इन द फर्स्ट रियल वाटर स्केर्सिटी इन पुणे, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज हमारा डेडिकेटेड सोर्स हमें चाहिए। एंड माइंड यू, पुणे हैज वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपल सप्लाईज ऑफ वाटर इन द कंट्री, नॉट विथ स्टैंडिंग व्हाट्स इन द न्यूज़पेपर्स टुडे।
काफी अच्छा सपना है। तो ये सोर्स ड्रिवन जो सोर्स है, सोच है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन तैयार करती है। कॉम्पिटिशन ये यूजर्स मतलब एक ही प्रकार के उपयोग के लिए जो लोग उपयोग ले रहे हैं उनके बीच में स्पर्धा है, और दूसरा विविध प्रकार के उपयोग के बीच में स्पर्धा हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं लैंड ओनरशिप का सवाल है। टेक्निकली मैं मेरा ही उदाहरण लेके आपके सामने पेश करता हूं। आई एम लाइक अ लैंडलेस फार्मर, प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कल लाइसेंसिंग ऑफ बोरवेल आता है और कई जगह आ भी रहा है, लाइसेंसिंग ऑफ बोरवेल अगर, चलो हम भूजल के बाहर का उदाहरण लेके चलते हैं, मुझे अगर आज गैस कनेक्शन लेना है एज एन इंडिविजुअल, आई कैन नॉट गेट अ गैस कनेक्शन। व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव अ रेसिडेंशियल प्रूफ फॉर अ पर्सन हु डज नॉट ओन प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ यू नो दैट गेटिंग रेसिडेंशियल प्रूफ इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। सो यू इमेजिन द सेम थिंग विथ ग्राउंड वॉटर। वॉट अबाउट द लैंडलेस? वॉट अबाउट द पीपल हु डोंट हैव एक्सेस? इवन इन अ सोसाइटी जहां एक बोरवेल लगा हुआ है, वो बोरवेल के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स है। बोरवेल का पानी कहां कहां जाएगा? कुछ बिल्डिंग वाले ये कहते हैं कि हमको बोरवेल का पानी नहीं चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यू नो इट इज रियली डाउन टू दैट लेवल ऑफ ओनरशिप। एंड फाइनली कहीं ना कहीं एक पुअर अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता भी है, अगर इसमें से कुछ स्पर्धा तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संघर्ष अगर खड़ा होता है, तो संघर्ष अगर कोर्ट में भी जाता है, तो क्या हमारे पास ऐसी जानकारी है जिस जानकारी के आधार पे कोर्ट ये फैसला, जस्ट अच्छा फैसला सुना पाएगा? और मेरे ख्याल से ग्राउंड वाटर के बारे में अभी तक हमारे पास उतनी लेवल की जानकारी नहीं है कि अगर ग्राउंड वाटर को लेकर संघर्ष अगर खड़ा रहा तो वो कोर्ट में डिसीजन ठीक ठाक होगा। जैसे प्लाचीमाला कोका कोला के केस का हुआ है कि हाई कोर्ट ने एक तरह से डिसीजन दिया या लोअर कोर्ट ने एक तरह का डिसीजन दिया और बिल्कुल उसके ऑपोजिट हाई कोर्ट ने दिया, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसका संदर्भ वहां भी आता है। नाउ इज इट टी काम? बिफोर वी जस्ट ब्रेक फॉर टी इन 5 मिनट्स, बट बिफोर वी ब्रेक फॉर टी, द ग्राउंड वाटर गेम, I'm calling it a game. If you look at this whole question of the story of groundwater in India, and I know Tushar has devised a game and Shiv and people in Anand actually run this game. We also had an opportunity to go through that game. But that's a very elaborate thing. I think the wells, kuwe ka jo game hai, it is like a game of tic-tac-toe, jo hum sabhi logon ne khela hai school mein. शायद इतिहास का जो पीरियड होता था हमारा, तब मैंने बहुत इस गेम को खेला है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग दैट गेम इन टू दिस डिस्कशन ऑन ग्राउंड वाटर। कि मान लो कि ये 9 प्लॉट्स, दीज आर 9 प्लॉट्स ऑफ लैंड, जमीन के 9 टुकड़े, और 9 फार्मर्स ये 9 टुकड़ों को ओन कर रहे हैं। रेन फेड एग्रीकल्चर है, किसी के पास अगर पैसा आया तो उसने एक कुआ लगाया, अच्छा पानी है। रेड इज वेरी गुड वाटर, व्हाइट इज वेरी पुअर वाटर, एंड बीच में एक दो कलर्स है। दिस गेम गोज ऑन। मेरे बगल वाले ने कुआं लिया, मैंने यहां कुआं लिया, ठीक ठाक पानी मिला। मैं उस वाले ने पानी लिया, कुआं लिया, उसको पानी नहीं, मतलब जितना चाहिए था, ही कैनॉट, हिज वेल इज अ फेल्ड वेल, फेल हो। दिस इज ग्रेट सक्सेस, दिस इज ठीक ठाक, ये बिल्कुल नाकाम है। ठीक ठाक पानी लगा है, साल भर पानी रहता है, लेकिन
जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाए, नो वाटर। हाँ, बेहतर पानी लगा फिर। नाउ इफ आई गिव यू द चॉइस, इफ आई गिव यू द चॉइस लुकिंग एट दिस सिनेरियो, व्हिच डू यू थिंक इज द प्लॉट व्हिच विल हैव अ गुड वेल? अभी तीन प्लॉट बाकी है, अगर मुझे तुक्का लगाना है और कुएं का साइड निकालना है तो मैं कहां निकालू? या लॉजिकली यू विल डू इट एट द सेंटर। नाउ सी द होल पॉइंट इज यू हैव एब्सोल्यूटली नन ऑफ अस हैव एनी सेंस ऑफ व्हाट द एक्वीफर इज। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया विथ 30 मोर देन 30 मिलियन वेल्स। Do you really need to understand and explore for geology? When you know, 9 में से 6 प्लॉट की हाइड्रोजियोलॉजिकल जानकारी तुम्हारे पास है, एज अ यूजर तुमको वो बेसाल्ट है या ग्रेनाइट है या एल्यूमियम है इससे कोई मतलब नहीं। तो दिस गोज ऑन, सो दिस इज वन पॉइंट टू। ओके, नाउ वेरी फ्रेंकली अगर हमको ये पहचानना भी है कि लगभग इस एक्वीफर की व्याप्ति या एक्वीफर का जो एक्सटेंट है वो कहां तक है, तो हम ये कुओं के जानकारी के आधार पे भी एक्वीफर कैसा फैला हुआ है लगभग ये हम निकाल सकते हैं। तो एक मुद्दा ये हो गया। अब ये लाल, नीला, हरा और सफेद रंग का मतलब क्या है? अगर इन कुओं को आपने अगर पंप किया एक ही एक्वीफर में, एक ही इलाके में, अगर ये कुओं को अगर आपने पंप किया, तो अगर पानी का लेवल कितने जल्दी घटता है और कितने समय में वो घटता है, इसको अगर हम देखा उन्हीं रंगों से अगर देखा, तो सफेद रंग को अगर हमने भरा, भरता भी है वो जल्दी खाली भी हो जाता है और वो इसलिए जल्दी नाकाम हो जाता है। नीले रंग का अच्छा पानी देता है और मे भी एक 7-8 महीने के बाद उसकी पानी की मात्रा कम हो जाती है। लाल रंग का कुआं ये सबको चाहिए ऐसा वाला कुआं है। इट्स अ वेरी गुड वेल, इट गिव्स लॉट ऑफ वाटर, इट गिव्स वाटर ओवर द एंटायर सीजन। दैट्स हाउ यू वांट योर वेल टू बी, दैट्स हाउ आई वांट माय वेल इन माय हाउसिंग सोसाइटी टू बी। But mind you, my plot of land is not necessarily on that patch of the aquifer where this is possible. और green रंग का कुआ है ये धीरे धीरे drawdown होगा, फिर कहीं ना कहीं stabilize होगा, एक time में शायद कम पानी रहेगा लेकिन लंबे समय तक चलेगा। This is the diversity that I'm talking about. और ये डायवर्सिटी, ये विविधता आपको ना ही एक इलाके में ही मिलेगी लेकिन आपको यू विल फाइंड इट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। नाउ द लार्जर प्रॉब्लम इज डज इट स्टॉप हियर। जो कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट की बात मैं कर रहा हूं, क्या वो यहीं रुकती है, रुक जाती है? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस जमीन के टुकड़े को चार का विभाजन चार भागों में हुआ। अब मे भी ये चार भाई है, ये भी चाहते हैं कि हमारा अपना कुआं, हमारी अपनी जमीन हो गई, हमारा अपना कुआं होना चाहिए। सो व्हाट आर द चांसेस?